हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर 5 क्लास 7। अब हम एग्जांपल 23 देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। मतलब हमें ये जो एक्स है, हर क्वेश्चन में जो एक्स है इसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, 2 to the power 3 द होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4 to the power 6। 2 cube to the power x इज इक्वल टू 4 to the power 6। बच्चों, जब भी ऐसे वाले सम्स हो ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो ये नंबर्स है उसे कम से कम छोटे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये 4 है, तो इसे छोटा नंबर इधर बेस किया है 2, तो इस 4 को 2 की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। चलो देखते हैं बच्चों, 2 to the power 3 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power 6। सो हमें पता है एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x to the power a to the power b इज इक्वल टू x to the power ab। वी आर मल्टीप्लाइंग द पावर्स। सो यहां भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा पावर्स को 3x। अब हम 4 को 4 ना लिखकर 2 के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि यहां बेस क्या है, बेस यहां है 2, तो हमें भी बेस यहां 2 ही चाहिए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्या होता है बच्चों, 2 into 2। 4 is equal to 2 into 2। तो क्या हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, अब 4 को तो हमने 2 स्क्वायर बना दिया, अब हमें ये 6 लाना है, तो इस 6 को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, सो यहां भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 to the power 3x इज इक्वल टू 2 to the power 12। कैसे आया 12? 6 into 2 is 12। अब देखिए बच्चों, बेस आर इक्वल, बेस दोनों जगह इक्वल है, बेस आर इक्वल दैट इज IE2। IE2 मीन्स यहां बेस है 2। तो अगर बेस इक्वल हो जाए तो हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। डोंट सी द बेस, देन यू इक्वेट द पावर्स, मेक पावर्स इक्वल। ये हमारा स्टेप होगा, मेक पावर्स इक्वल। जब बेस इक्वल हो जाए तो उसे नजरअंदाज करके मेक द पावर्स इक्वल। सो यहां लेफ्ट हैंड साइड में पावर क्या है 3x, और राइट हैंड साइड में पावर क्या है 12। तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। फिर x को 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा बच्चों, 4 से। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आप 3 को इधर मल्टीप्लाई किया गया है तभी तो 3x आ रहा है। सो ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेते हुए 3 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा डिविजन। सो x इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया बच्चों, 3x का मतलब क्या है, 3 multiplied by x। सो 3 मल्टीप्लीकेशन है, जब वो यहां से यहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जगह आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा डिविजन। ठीक है, सो अब देखिए बच्चों, 3 into 4 12 ही तो आ रहा है। नेक्स्ट सम, 5 to the power x इंटू 25 square इज इक्वल टू 5 to the power 12। अब हमने इस समय क्या जाना बच्चों, कि सबको छोटे नंबर में कन्वर्ट करो, मतलब हमने 4 को इधर 2 जैसे बनाया ताकि ये दोनों बेस जो है वो इक्वल बन जाए। तो इधर हम क्या 5 को 25 बनाएंगे? नहीं, हम 25 को 5 बनाएंगे, ताकि ये सब बेस जो है वो इक्वल बन जाए। सो 5 to the power x रहेगा 5 to the power x, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 square, क्योंकि 25 क्या होता है बच्चों, 5 into 5, विच इज नथिंग बट 5 square। सो 25 को हम लिखेंगे 5 square। लेकिन ये तो सिर्फ 25 हो गया 5 square, ये 2 अभी बाकी है, तो ये 2 को हम इधर लिख देंगे, क्योंकि ये भी पावर था, ये भी पावर है, तो पावर टू द पावर को हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई, और ये ऐसे ही लिख दिया। सो 5 to the power x इंटू 5 to the power एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट, मतलब ये रूल, राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, x to the power a to the power b इज x to the power ab। तो उसी तरह 2 2 4 इज इक्वल टू 5 to the power 12। अब ये कौन सा लॉ है बच्चों, ये फर्स्ट लॉ है, x raised to a into x raised to b, मतलब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x raised to a plus b, मतलब x जो कि बेस है 5 एंड a plus b, a की जगह है x प्लस b की जगह है 4,
इज इक्वल टू 5 to the power 12। अब इस सम की तरह बेस आर इक्वल, अब इधर दोनों जगह बेस इक्वल हो गया है। अगर बेस इक्वल हो जाए तो वी हैव टू नेग्लेक्ट इट एंड मेक द पावर्स इक्वल। व्हाट इज द पावर हियर? एक्स प्लस 4, और इस तरफ पावर क्या है? 12। तो इसे इक्वेट करना है। अब ये जो प्लस 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस। सो एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 प्लस 4 12 आ रहा है ना बच्चों। सो x की पावर है, x की वैल्यू है 8। लास्ट सम 81 डिवाइडेड बाय 3 to the power x इज इक्वल टू 9। हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? सब बड़े नंबर्स को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना। इधर हमने 4 को 2 बना दिया था, इधर हमने 25 को 5 बना दिया है, तो अब हमें 81 और 9 को क्या बनाना है? 3। वेरी गुड। अब 81 का तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बार किया है बच्चों, याद है? 81 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है? 3 raised to 4। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिए, 81 का मतलब है, 81 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें ये आंसर मिलता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया। सो 81 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 4, 1 2 3 4। सो 81 मतलब 3 raised to 4, मतलब अगर 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। क्यों मैंने 81 को 3 raised to 4 लिखा है? क्योंकि मुझे सब बेस को इक्वल बनाना है। डिवाइडेड बाय 3x, और 9 क्या है बच्चों? 3 square 3 3s are 9। अब ये डिवीजन है, डिवीजन मतलब हम क्या करते हैं बच्चों? बेस सेम है और डिवीजन करना है तो पावर्स को क्या करना होता है? माइनस। देखिए बच्चों, हर सम में लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ भी हम माइनस करेंगे, a की जगह पे है 4, माइनस b की जगह पे है x इज इक्वल टू 3 square। ये जो ऐसा है वैसे ही लिख दिया, सो 4 minus x इज इक्वल टू 3 square। अब देखिए बच्चों, दोनों जगह बेस सेम है, बेस सेम है तो इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए और पावर को इक्वल कर दीजिए। सो 4 minus x इज इक्वल टू 2। सो माइनस एक्स इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस एक्स, और जो यहाँ प्लस 2 है वो इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 2, और 4 की जगह 4, प्लस 2 बन गया माइनस 2, और माइनस एक्स इधर बन गया प्लस एक्स। 4 minus 2 is 2 इक्वल टू एक्स, सो वैल्यू है 2। ये सम्स अच्छी तरह कर लीजिए बच्चों, एक्सरसाइज 5B में ये लास्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। बाय।